सब्सक्राइब कीजिए एग्जामटला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी दोस्तों, अगर आप करते हैं रेलवे एग्जाम्स की तैयारी तो बिल्कुल आपके लिए दोस्तों क्लास बनके तैयार है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का जो दोस्तों टॉपिक है पाषाण काल और सद्भव सभ्यता। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को अपने लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का दोस्तों जो साधन था यह साधन क्या था। जी दोस्तों, तो वह साधन था दोस्तों, आप इस प्रश्न का जो आंसर करना चाहेंगे वो सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह शिकार था, आप देख सकते हैं ऑप्शन इधर उधर, बट कोई नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। अरबी गोरखपुर 2004 का इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। इससे जुड़े दोस्तों हम व्याख्या भी पढ़ लेंगे, अगर आप जानना चाहते तो बिल्कुल दोस्तों ज्यादा हर वीडियो की फ्रेंड्स व्याख्या हम देखना चाहेंगे। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का दोस्तों जो साधन था वो दोस्तों शिकार था, विमुखता शिकार पे ही दोस्तों निर्भर थे और उनका भोजन दोस्तों मांस या कंदमूल हुआ करता था। क्या दोस्तों? कंदमूल हुआ करता था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा दोस्तों पाला गया प्रथम जो पशु था वो क्या था, भेड़, कुत्ता, बकरी या घोड़ा। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भेड़ रहेगा दोस्तों। क्योंकि यहां पे दोस्तों बात आता है कि नवपाषाण काल में जो दोस्तों पहला पशु पाला गया था वह दोस्तों भेड़ था। और दोस्तों ये आरआरबी एएसएम का पूछा गया प्रश्न भी, और अगला आप ये देख सकते हैं इसकी व्याख्या अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास के दोस्तों मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुका था दोस्तों, शुरू हो चुका था। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था दोस्तों वह कुत्ता था, ठीक है। कुत्ते को प्राय दोस्तों 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव के दोस्तों घरों में पाला गया था, और भेड़ जो है दोस्तों दूसरा पशु है। लेकिन जब ऑप्शंस के अनुसार हम चल रहे हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ हो रही है दोस्तों मध्य पाषाण काल में अगर हम बात करते हैं तो वो कुत्ता था, लेकिन दोस्तों यहाँ नव पाषाण की बात कर रहा है। जी हाँ, जिसे मानव ने दोस्तों पालतू पशु के रूप में अपनाया था, ऐसी मान्यता है कि प्राय 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य में दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में दोस्तों विकसित की गई है, क्योंकि लगभग यही काल जो है दोस्तों नवपाषाण काल का है, ठीक ना। तो इसके अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। और कुछ और भी है दोस्तों, हम देख लेते हैं। सुअर जो दोस्तों ये 9,000 ईसा पूर्व आया था, और बकरी और गाय को दोस्तों जो पाला जा रहा है ये 8,000 ईसा पूर्व है, ठीक है दोस्तों। और अगर बिल्ली की बात करें दोस्तों तो ये 7500 ईसा पूर्व है, और मुर्गी दोस्तों 6,000 ईसा पूर्व है, और घोड़ा और गधा 4,000 ईसा पूर्व दोस्तों अन्य जानवर जिनका दोस्तों पालतूकरण किया गया था। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चूंकि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी वीडियो लगातार आएगी हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। सबसे पहले कौन से हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था पहले दोस्तों? तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था दोस्तों वह था हड़प्पा ही। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वह हड़प्पा ही था। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, से पहले जान लीजिए कि सबसे पहले वर्ष 21 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में दोस्तों पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, और सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता रखा गया था दोस्तों। तो आप हर चीज को याद रखे, चुकी है कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आज होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों अनार्थ सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ क्या होता था दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक शहरी सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि दोस्तों अनार्थों का संबंध शहरी सभ्यता से हो रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल और केवल दोस्तों ग्रामीण सभ्यता से था, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता को अनार्थ सभ्यता होने का दोस्तों सर्वाधिक प्रमाण मिला है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों निम्नलिखित में से जो दोस्तों जो संबंधित है ये कैसे संबंधित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग दोस्तों रहेगा सही आंसर। और दोस्तों और डीएमआरसी परीक्षा 2002 का दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, और इससे जुड़ी दोस्तों अगर हम व्याख्या देखना चाहते हैं तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से दोस्तों संबंधित है। सिंधु घाटी युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का दोस्तों निर्माण हुआ था, ठीक है, और इस युग की प्रमुख धातु दोस्तों कांसा ही था, ठीक है दोस्तों। और इसी कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी दोस्तों कहा जाता है, वस्तुतः यह ताम्र पाषाणकालीन नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 की, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण दोस्तों नहीं किया गया था?
जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो दोस्तों चित्रण नहीं किया गया था दोस्तों वह था गाय का। किसका दोस्तों? गाय का चित्रण उसमें नहीं किया गया था, ठीक है। और इनसे जुड़ी दोस्तों अगर व्याख्या देखना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पदासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित थी दोस्तों, और जिसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर गैंडा और भैंसा एवं सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। और इस संस्कृति में दोस्तों दूर दूर तक आप यहां देख सकते हैं गाय या घोड़े की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें, नंबर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा दोस्तों था किस देवता की आकृति चित्रित थी? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो देवता थे दोस्तों वे थे पशुपति के। किसके थे? पशुपति के दोस्तों, जो उसमें है चित्रित था। और जी हाँ दोस्तों, मोहन जोद्रो से प्राप्त एक मुहर सील पर तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके सिर पर तीन सिंह है, इसकी बाईं ओर एक गैंडा भैंसा और दाईं ओर हाथी और व्याघ्र। इसे पशुपति शिव का दोस्तों रूप माना गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों जो पूजा करते थे किसकी पूजा करते थे? जी हाँ दोस्तों, तो ये पूजा करते थे पशुपति के ही, ऑप्शन नंबर डी। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कि आरआरबी 2003 में, आरआरबी 2009 में कई बार प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोज किया था? जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो खोज किया था वह किया गया था दोस्तों दयाराम शहनी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए कर्णिंगम रहेगा सही आंसर, सी रहेगा इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर। जहां भी आपको दोस्तों गलतियां लग रही प्लीज आप कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अलेक्जेंडर कर्णिंगम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुओं को दोस्तों प्राप्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा दोस्तों नाम है? भारतीय सभ्यता से दोस्तों जो जुड़ा नाम है, ये नाम मेरे प्यारे दोस्तों कौन है? तो अब यहाँ से फ्रेंड्स, सर विशेंट स्मिथ है, डीसी गोस्वामी है, सर अलेक्जेंडर कर्णिंगम है, सर मार्टिमर हिटलर। तो इसमें फ्रेंड्स अस्पष्ट नहीं दे रहा, इसलिए फ्रेंड्स सभी होगा। क्यों होगा दोस्तों? इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से कि दिए गए प्रश्न में प्रकृष्टि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का दोस्तों लंबा कालक्रम रहा है जिसमें कि अनेक इतिहासकार एवं पुरातात्विक विदों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, चूंकि दिए गए विकल्प में कर्णिंगम जो है दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मार्टियर विलियर हड़प्पा से दो डीडी गोस्वामी कौशाम्बी ने और उत्खनन से दोस्तों संबंधित थे, जबकि सर विसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक एवं मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अतः स्पष्ट दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इनमें सभी विकल्प सही होंगे। अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में दोस्तों जो अंतर है वो अंतर दोस्तों की पहली नगरिया थी और दूसरी ग्रामीण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरिया थी और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। अब इसमें एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी दोस्तों ये कब हुआ था? तो आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता काल दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है जबकि आर्य ग्रामीण, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? जी हाँ दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों अभी तक सही पहचान नहीं की गई है, आप ऑप्शन नंबर डी को आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उससे पहले इसका व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, इस लिपि में लगभग 4000 अक्षरों का प्रयोग किया गया, इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों ऐतिहासिक, ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। जहां गलतियां दोस्तों उसके लिए क्षमा जरूर चाहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का दोस्तों टीला माना जाता है? जी हमने पहले दोस्तों, मृतकों का टीला किसको कहते हैं दोस्तों? वह मोहन जोद्रो को मृतकों का टीला माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों मोहन जोद्रो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन जोद्रो दोस्तों कहां पर? जी हां, मोहन जोद्रो कहां पे स्थित है दोस्तों? मोहन जोद्रो जो है यह आपका सिंध में प्रेजेंट है अभी। कहां पे? यह सिंध में दोस्तों प्रेजेंट है, और अब 2003 में, 2001 में कई बार यह प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है। मोहन जोद्रो
सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में दोस्तों स्थित है। अभी मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने किया, तो आप याद रखिएगा राखल दास बनर्जी कब 1922 में खोज किए हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान जो दोस्तों मिला है ये कहाँ पे मिला है दोस्तों? जी हाँ, विशाल कोठार जो दोस्तों मिला है ये कहाँ पे मिला है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो में ही मिला है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में ही यह विशाल भंडार मिला है। और कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उससे पहले जान लीजिए मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक विरहद स्नानाघर है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर, इसके पश्चिम में रिपीट हो गया दोस्तों, मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो पूर्व से पश्चिम में दोस्तों 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर व्हीलर ने अनाग्रह के लिए दोस्तों बनाया था। इसमें ईंटों से बने हुए विभिन्न आकार के प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है दोस्तों किस प्रांत में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अमरी जो एक हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों स्थल है वह किस प्रांत में प्रेजेंट है दोस्तों? तो वह सिंध में प्रेजेंट है। कहां पे? ऑप्शन नंबर दोस्तों सिंध में प्रेजेंट है। और यह दोस्तों आपको टीसी क्लर्क 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पे? अभी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का जो मुख्य धंधा था, जो मुख्य पेशा था दोस्तों, वह था कृषि। क्या था? ऑप्शन नंबर दोस्तों ये रहेगा, वह था दोस्तों कृषि। ठीक है, सिंधम निवासियों ने जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था और सिंधु तथा उसकी सहायता नदियां प्रति वर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी जिसमें पैदावार काफी अच्छी थी। और यहां के प्रमुख खाद दोस्तों गेहूं तथा जौ है। ठीक है, आप याद रखिएगा क्या है? गेहूं तथा जौ है। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो पतन नगर है वह कौन सा था दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों पतन नगर है वह जो है दोस्तों वह है आपका लोथल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, और ये जो दोस्तों आपको दिखा रहा है और इसका जो कुछ व्याख्या दिया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी कि दोस्तों वद्रगाह के साक्ष्य मिले हैं और इस खोज की, इस स्थल की खोज कौन किया है? एस आर राव ने किया दोस्तों, एस आर राव ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी स्थल भारत में दोस्तों नहीं है? जो स्थल दिया गया है इसमें कौन है दोस्तों जो भारत में नहीं है? जी हाँ पर दोस्तों, तो वह है हड़प्पा जो कि भारत में प्रेजेंट अभी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। और दोस्तों हड़प्पा पूरा स्थल जो अभी है दोनों दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल अभी कहलाता है, वो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कुछ ही प्रश्न फ्रेंड्स और है, उम्मीद करता हूँ अगर फ्रेंड्स आप यहाँ तक वीडियो लगा रहे हैं यानी कि फ्रेंड्स आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर, आलमगीरपुर राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद यानी कि फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल दोस्तों भारत में नहीं है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल है दोस्तों जो भारत में प्रेजेंट नहीं है दोस्तों? वह है बालाकोट। जी हाँ, हाल ही में एयर स्ट्राइक हुआ था तो आप तो नाम जरूर जानते होंगे दोस्तों, बालाकोट जो है कहाँ है? तो बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल दोस्तों वर्तमान में जो है पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह दोस्तों नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? जी हमारे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों को दोस्तों जो जानकारी नहीं थी ये किसकी जानकारी नहीं थी? तो दोस्तों और साथियों, कुम्हारों का चाक, आग, लोहा या गेहूं।
तो जी हाँ दोस्तों, इसे जो जानकारी नहीं था वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते। देख सकते कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हड़प्पा कालीन लोगों को दोस्तों सोना के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था, तांबा जानता था, काशा जानता था, शीशा जानता था, लेकिन हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में गेहूं जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को दोस्तों लोहा की जानकारी नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण दोस्तों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कहा जाता है दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मिट्टी के बर्तन आधार पर इस सभ्यता को दोस्तों आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है ऋग्वैदिक कालीन। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन के काल के दोस्तों लाल जो बने होते थे प्रधानता होती थी, जबकि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के दोस्तों मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। अगली क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, नंबर 24 है, कुछ ही प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सी कथन सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों संबंध सही है? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि उनके घर ईंट के बने होते थे। ठीक है, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है और घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था दोस्तों। तो ऑप्शंस नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का निर्माण दोस्तों ईंटों का प्रयोग होता था, तो बिल्कुल ये सभी के सभी उसमें था ही। अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से दोस्तों जो होती है वो किस में होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो पहचान होती है यह शहर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को शहर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नहर योजना प्रणाली और सिंधु घाटी की चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती है और मकान पक्की कच्ची ईंटों से बनाए जाते हैं और काली एवं सफाई व्यवस्था की उत्तम भी यहाँ रहती है। अगली प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों ज्ञान जो मिलता है वो किस में मिलता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो ज्ञान मिलता है दोस्तों ये मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, उससे पहले इसका कुछ डिटेल्स है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्यिक और ताम्रपत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और मिट्टियों के कुछ बर्तन पर कुछ लेख पाए गए हैं परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सकते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का दोस्तों प्रयोग किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कीजिएगा क्योंकि इस प्रश्न का हमें इंतजार भी रहेगा। वो तांबा है, चांदी है, कांसा है या पीतल है दोस्तों, और अरबी इलाहाबाद JAA 2010 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। आप अपना कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चंस के बारे में, आप जितना जानते हो। कैसा लगा आज की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पहले से कितने क्वेश्चन दोस्तों जानते थे, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ ये भी कॉमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।